खबर सबसे पहले देहरादून से है, जहां पर नाबालिग से रेप के मामले में आपको बता दें कि आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। तो आज सजा यहां पर सुना सकता है कोर्ट, जहां पॉर्न वीडियो देखकर नाबालिगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। तो आज सभी की निगाहें कोर्ट के इस फैसले को लेकर होगी, जहां पॉक्सो कोर्ट आज इस पर अपना फैसला सुनाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से नाबालिग से रेप का यह मामला, जहां आज पॉक्सो कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कहा जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट आज सजा सुना सकती है। दरअसल पॉर्न वीडियो देखकर नाबालिगों ने इस घटना को अंजाम दिया था और आज इसी फैसले को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखना होगा कि कोर्ट का रुख इस पर क्या रहने वाला है। तो देहरादून का बहुचर्चित नाबालिग रेप कांड, जिस पर पॉक्सो कोर्ट फैसला सुना सकता है, तो आज उम्मीदें हैं इस नाबालिग रेप कांड पर फैसले के आने की, सजा के ऐलान की। और सौरभ भाटिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी, क्या आज फैसला आएगा इस पर? जीआरडी एकेडमी का जो है मामला था, यहाँ पर जो है 2 साल पूर्व एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप हुआ था, सामूहिक तौर पर रेप हुआ था, जिसके बाद जो है स्कूल प्रशासन ने भी पूरे मामले को दबाने की कोशिश की थी। अब मामला पॉक्सो एक्ट में जो पुलिस ने दर्ज किया, जिसके बाद जो है आज 2 साल बाद जो है सजा सुनाई जा सकती है। कोर्ट में जो है आज सजा सुनाई जाने को लेकर जो है खासी चर्चा भी दिखाई दे रही है, क्योंकि लंबे समय तक जो सीआरडी का मामला चलता रहा, क्योंकि लंबे समय तक पहले तो पुलिस ने इस मामले में हीलावाली करी और जब जो है दबाव ज्यादा बढ़ा तो प्रेशर में आकर जो है पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई की थी। आज जब जो है कोर्ट में मामला सजा दहलीज पर पहुंच गया है तो लोगों को भी इसका इंतजार है और संभवतः माना जा रहा है कि लंच के बाद जो है इसमें सजा सुनाई जा सकती है। जी बिल्कुल। सौरभ, ये बताइए, जैसा कि बहुचर्चित मामला है और लंबे समय से अटका हुआ है, सभी की निगाहें हैं इस पर, आशंका क्या कि क्या सजा का ऐलान होगा इसमें? देखिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो है इस पर जो है तारीखें और सुनवाई हुई, तमाम पक्षों को जो है कोर्ट ने सुना है। आज पॉक्सो कोर्ट में पूरे मामले पर जो है आज सजा सुनाई जा सकती है, क्योंकि 250 पहलुओं पर सुनवाई हो चुकी है, आज जो है फाइनल डिसीजन होना बाकी रह गया है। जी चलिए, धन्यवाद आपका सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देहरादून का नाबालिग से रेप का यह मामला, जहां पर आज इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, सजा का ऐलान कर सकता है।